उत्तराखंड से सामने आ रही उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक रायवाला के एक रिजॉर्ट में दो दिनों तक चलेगी ये बैठक। कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी के साथ आगामी चुनाव पर यहां मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक होने जा रही है रायवाला के एक रिजॉर्ट में। ये बैठक जो कि दो दिन तक चलेगी, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और सीएम धामी इस बैठक में रहेंगे। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में रहने वाले हैं और इसमें आगामी चुनावों को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। 2024 को लेकर लोकसभा चुनावों पर मंथन यहां होने वाला है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह बैठक होने जा रही है, बेहद अहम बैठक। आगामी चुनावों पर यहाँ पर मंथन चर्चा यहाँ की जाएगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और किस तरीके से रणनीति बनानी है 2024 के लिए, आगामी चुनावों के लिए, इस पर चर्चा। देहरादून से विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अब उत्तराखंड में बैठक होने जा रही है, सीएम धामी खुद इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, क्या लोग आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर यह मंथन होने जा रहा है? जी देखिए सोनिका, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं और स्थानीय नगर निकाय चुनाव होने हैं उनको लेकर रणनीति शुरू कर दी है। और जिस तरीके से अभी जो प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्य समिति का जो ऐलान अभी हाल ही में संगठन की ओर से किया गया है और जिसमें करीब 135 जो कार्य समिति के सदस्य हैं, 46 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और 25 जो स्थायी सदस्य हैं यानी पदेन सदस्य हैं वो अलग अलग बैठकों में वो शिरकत करेंगे। और देहरादून के इसी रिजोर्ट यानी रायवाला में ये आज से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। कई सत्रों में ये बैठक होगी, चाहे टोली बैठक हो, कार्य समिति के नए जो मेंबर हैं उनके साथ बैठक होगी और जो अलग अलग जो स्थायी मेंबर हैं वो भी इस जो बैठकें हैं उनमें वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये तमाम ऐसे पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो इसमें बैठकों में शामिल होंगे। और आगामी जो लोकसभा उत्तराखंड में होने हैं, 5 सीटों पर किस तरीके से जीत दोबारा दर्ज भारतीय जनता पार्टी की हो उसको लेकर पूरा मंथन होगा। और ऐसे में आगामी नवंबर माह में नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। और साफ तौर पर पूरी तरीके से जो अलग अलग बैठकें हैं उनकी तैयारियों को अंतिम रूप रायवाला के इस रिजोर्ट में दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इसी रिजोर्ट और अन्य तमाम जो बैठकें यहाँ पर होनी है उसको पूरी तरीके से ये तैयारी की जा रही है और लोकसभा की जो रणनीति होगी उसको लेकर इन बैठकों में मंथन होगा। क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा इलेक्शन उत्तराखंड में हुए थे उसमें कहीं ऐसे मंथन होने जा रहा है, आप नजर बना के रखिएगा दो दिवसीय बैठक पर। विनोद, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां से आगे रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, यह बड़ी खबर है। अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को कपाट खोलने जा रहे हैं, 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। चार धाम यात्रा धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी लेकिन बनने जा रही है, जोशीमठ आपदा के बीच, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसीलिए एक चुनौती भी रहेगी चार धाम यात्रा। जोशीमठ में जिस तरीके से हालात है, जमीन वहां पे लगातार जो की दरक रही है, सड़कों में दरारें वहां देखी जा रही है, ऐसे में अब अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 27 अप्रैल को खुल जाएंगे, 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ही बड़ी तैयारी भी की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि चार धाम यात्रा धामी सरकार के लिए एक चुनौती यहां बनने वाली है। तो जोशीमठ आपदा के बीच चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है अप्रैल से। जोशीमठ में फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मौसम का मिजाज भी बदल रखा है, इस बीच राहत और बचाव कार्य जो चल रहे हैं उसमें भी दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही हैं सामने, दरार लगातार वहां बढ़ती जा रही है, सड़कें टूट रही हैं। अब इस बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है जो एक चुनौती सरकार के लिए। तो देखिए अब चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होने जा रही है, इसको लेकर सरकार तैयारी पूरी कर रखी है। चुनौती कहीं ना कहीं बनी हुई है सरकार के लिए, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात हैं, जिस तरीके से आपदा वहां पर आई है, इसके बीच अब चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है।
इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। देहरादून सड़कों के धसने को लेकर समीक्षा बैठक कब होने जा रही है? पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विभाग से जुड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सड़कों के धसने को लेकर समीक्षा बैठक, क्योंकि लगातार सड़कें वहां धस रही है, सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही है, अब इसे लेकर के बैठक होने जा रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।